हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग लेकर के नाइन्थ स्टैंडर्ड का अलजेब्रा यानी कि पार्ट वन का मैथ पार्ट वन प्रैक्टिस सेट 5.1 चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन एंड टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, टू वेरिएबल्स क्या होता है, आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल होता क्या है वो देखिए, जैसे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, इस टाइप का कोई भी जैसे ऐसे कोई इक्वेशन होते हैं ना, जैसे 4x प्लस 3y प्लस 7 या जो भी इस टाइप के कोई इक्वेशन होते हैं, तो इन्हें हम लीनियर इक्वेशन क्या बोलते हैं, हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोलते हैं। अभी टू वेरिएबल यानी क्या होता है, टू वेरिएबल यानी इसको हिंदी में बोलते हैं दो चारांक, क्या बोलते हैं, टू वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं दो चारांक, यानी कि एक्स और यू वाई, जो x और y जो होता है ना, इसी को बोलते हैं टू वेरिएबल्स, क्या बोलते हैं इनको हम लोग, टू वेरिएबल यानी कि दो चारांक। तो दोस्तों आज मेरा आप लोगों से एक चैलेंज है, मैं आप लोगों को सिखाता हूँ और अपने भूल के दिखाऊँ। कोई भी ऐसा नहीं हो जो भी आप मेरा ये वीडियो देखेगा ना, ऐसा एक शख्स भी नहीं हो जिसको ये ना समझे, सबको समझेगा, ये मेरा चैलेंज है आप लोगों से। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको समझे ना, सबको, हर किसी को ये वीडियो मेरा समझ में आएगा। तो आप लोग देखिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, पहला क्वेश्चन देखिए, ये पहले प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 5.1 में थ्री क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए कि बाय यूजिंग वेरिएबल x एंड y फॉर्म एनी फाइव लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब कि जो वेरिएबल x एंड y इनको लेकर के हमें कोई फाइव लीनियर इक्वेशन बनाना है, क्या करना है, फाइव लीनियर इक्वेशन मुझे फॉर्म करना है। अब वो कैसे फॉर्म करेंगे देखिए, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। जो दोस्तों मेरे साथ मैथ कर रहे हो ना, इतना समझो मैथ सिंपल है, अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता है तो मैथ सिंपल है। देखिए मैथ सिंपल कैसे है, ये देखिए अभी एक्स एंड वाई को लेकर के फाइव लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो ये देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, आप सिक्स के जगह कोई भी नंबर क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर आपकी मर्जी, जो भी नंबर लेना ले लो। तो ये हमारा एक हो गया, ये वन इक्वेशन हो गया। अब लो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, आपकी मर्जी, यहाँ पे 2, 3 के जगह कोई भी नंबर ले सकते हो, ये 4 के जगह कोई भी नंबर ले सकते हो, आपकी मर्जी। बस आपको क्या दिखाना है, x और y को लेकर के लीनियर इक्वेशन बनाना है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि लीनियर इक्वेशन यानी कि उसमें x और y इस तरीके से होना चाहिए, ये प्लस के पे माइनस भी हो सकता है, माइनस के पे प्लस भी हो सकता है, ये भी माइनस हो सकता है, या ये प्लस हो जाए, या ये प्लस पे रहे, ये माइनस हो जाए, आपकी मर्जी। जिसको प्लस बनाना है जिसको प्लस बनाओ, जिसको माइनस बनाना है उसको माइनस बनाओ। तो लीनियर इक्वेशन इस तरीके से होता है, आपकी मर्जी, यहाँ पे जीरो से लेकर के जितना भी नंबर आपको पता है कोई भी नंबर डाल सकते हो यहाँ पे, और एक्स और वाई के साथ में भी कोई भी नंबर ले सकते हो। तो ये देखिए, जैसे मैंने पहले एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स बनाया, ये भी मेरा एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। ये देखिए ये मेरा सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गया। और अभी आता है आप लोग बोलो जो नंबर लेना चाहिए, आपकी तरफ से मैं नंबर ले लेता हूँ। फिर मैं ले लिया यहाँ पे, पहले देखो माइनस 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 ले लिया मैंने, कोई भी नंबर लो यार, यहाँ पे क्या बोला गया, बाय यूजिंग वेरिएबल x एंड y, यानी कि ये जो वेरिएबल को हिंदी में चारांक, क्या बोलते हैं हिंदी में वेरिएबल को चारांक बोलते हैं। नीचे थोड़ा बच्चों का आवाज आता होगा, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करना, नहीं समझेगा तो देखिए वेरिएबल को हिंदी में चारांक, जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे भी समझ सके, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और इक्वेशन यानी क्या होता है, समीकरण, इक्वेशन क्या बोलते हैं हिंदी में, समीकरण बोलते हैं। तो x माइनस 4x प्लस 5y आपकी मर्जी, जो लेना ले लो, ये मेरा थर्ड इक्वेशन बन गया। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो 6x माइनस 7y, आपकी मर्जी जो लेना हो ले लो। यहाँ पर भी माइनस प्लस, मतलब माइनस प्लस आप कहीं भी जा सकते हो, कोई रुकावट नहीं है, समझे। मतलब बस आपका जो इक्वेशन फॉर्म होना चाहिए, समीकरण बनना चाहिए, और ये जो हमारे जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इसी तरीके से बनता है, और इसी को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। एंड टू वेरिएबल, दो वेरिएबल कौन सा, एक एक्स है और एक वाई है, हिंदी में बोलेंगे दो चारांक, तो एक चारांक एक्स है और दूसरा चारांक क्या है, वाई है। यही दो चारांक को लेकर के हमें समीकरण बनाना होता है। तो एक है हमारा एक्स और दूसरा वाई, किसी को भी प्लस माइनस कर सकते हो, उसमें कोई रुकावट नहीं है। ये हो गया मेरा चौथा हो गया। नाउ फिफ्थ वन, आप लोग जो बोलो ठीक है, ये मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 कर दे चलो, हो गया हमारा ये इक्वेशन नंबर 5।
तो दोस्तों हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, आप लोग चाहिए तो लिख लीजिए और वन। ओके दोस्तों चालू करते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। राइट 5 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। क्या बोला गया कि यहाँ पे हमें एक समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x प्लस वाई बराबर 7 दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है। अब इस समीकरण को लेकर के, ये इक्वेशन को लेकर के मुझे कोई भी 5 सॉल्यूशन बताना है और वो सॉल्यूशन क्या होता है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो 5 अलग अलग हमें x और y की वैल्यू, यानी कि 5 अलग अलग हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो एक में हम x का मान ऐसे लिख लेट x इज इक्वल टू 2। माना कि x यहाँ पर 2 है, जब x यहाँ पर 2 रहेगा तो ये समीकरण यहाँ पे लिखो, ये इक्वेशन यहाँ लिखिए और फिर इस इक्वेशन में क्या करो, ये x की वैल्यू डालते रहते हैं, क्या करो, ये x की वैल्यू डालते रहते हैं। अभी x के क्या है, 2 आएगा, y ऐसे ही रहेगा, 7 रहते हैं। तो इस तरीके से हमारा 2 वहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा और y की ये सॉरी प्लस में था वहाँ पे गया 2 माइनस हुआ और y की वैल्यू हमारे पास कितना है 5। y कितना है हमारे पास 5, y आ गया हमारे पास। अब एक काम करो, इसमें ही जब अभी अगर आपने x की वैल्यू ये 2 माना था, क्या x को आपने कितना माना था, 2 माना था, अब आपके y की वैल्यू क्या, ये y की वैल्यू, अब सेम उसी, अब उसी समीकरण यानी कि उसी इक्वेशन के अंदर हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर ही हमें y की वैल्यू पुट करना है। अभी देखिए, जैसे मान लो अभी देखिए, अब क्या y इज इक्वल टू 2, क्या करना है हमें पुट, क्या करो, पुट y इज इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन। क्या बोलो आप लोग कि समीकरण, जो भी दिए गए समीकरण में y का मान 2 रखने पर अब कैसा होगा, ये देखिए समीकरण हमारा x प्लस वाई है बराबर 7 है। अब एक काम करो, x का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो y के अभी क्या रखो आप लोग यहाँ पे 2, सॉरी y कितना है, y का मान 5 रखने पर, क्यों, क्योंकि 5, क्योंकि ये देखिए y बराबर कितना है 5 है, ये तो y के भी क्या रखेंगे अभी हम लोग 5 रखेंगे, तो अब यहाँ पे 7 है। अभी काम करो ऐसे रखो, ये 5 को वहां भेज दो, यहाँ प्लस में और वहां जाएगा माइनस में हो जाएगा और x बराबर 7 माइनस 5 कितना बन जाएगा यहाँ पे 2, तो x का मान कितना आया दोस्तों यहाँ पे 2 ही आया। तो ये देखो आपका उत्तर कैसा होगा, यहाँ पे x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5, तो इस तरीके से आया। तो राइट 5 सॉल्यूशन, तो एक तो मैंने कर ही दिया, अब बाकी भी कर दो। देखिए अब ये काम कर लीजिए प्लीज, में अभी ये जो दूसरा करूंगा इसका ही मैं दूसरा सॉल्व कर रहा हूं। अब दूसरे भी क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे y की मैंने कुछ मान लो कि y बराबर क्या, अभी ऐसा y बराबर मेरे पास यहाँ पे 6, क्या ये 6 है। अभी क्या करो, समीकरण क्या करो, इसमें ये इसी समीकरण में इसको रख दो, यानी कि इसी इक्वेशन में इसको पुट करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सेम इक्वेशन का करो आप लोग, 6 की वैल्यू रखो, सॉरी यहाँ पे 7 ना, y के बेस पे क्या है यहाँ पे 6, क्या करो y के बेस पे क्या रखोगे आप लोग, 6 रखोगे। अभी देखिए x प्लस वाई के अभी क्या आएगा हमारे पास, 6 आएगा। अभी ये देख लीजिए, ये 6 वहां जाएगा, 7 माइनस 6, तो अभी x वैल्यू क्या आया था, मेरे पास 1 आया, कितना x वैल्यू मेरे पास कितना आया, 1 आया। देखिए अभी ये y की वैल्यू मैंने माना ही था, सिर्फ सॉल्व करके देखिए, अभी आपको पता है अब जब x की वैल्यू जब अब अगर इस इक्वेशन में रखूंगा ना, अगर अभी इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो बाद में मेरा y की वैल्यू 6 ही आना है, जो मैं माना वही मेरा वैल्यू आएगा। ये देख लीजिए क्या करो, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन, अभी इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा, x की जगह पे 1 आएगा और ये y ऐसे ही रहेगा 7 ऐसे, अब y ऐसे ही 1 वहां जाएगा तो कितना होगा, 7 माइनस 1 कितना हो गया यहाँ पे 6, तो y के वैल्यू कितने पास क्या बताया, उतना ही आएगा, 6 ही आया कि नहीं, यहाँ पे आंसर क्या है, x इज इक्वल टू x वैल्यू कितना है 1 आया, y वैल्यू कितना है मेरे पास, ये 6 आया। तो सेम ऐसे ही हमें पूरा 5 बनाना है, जो कि मैंने इसमें 2 बना दिया क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें 5 बनाना है और 2 मैंने बना दिया, बाकी के 3 आप लोग करिए और नहीं समझेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए।